नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बिजनौर से सटी उत्तराखंड सीमा पर चिड़ियापुर कोटा वाली नदी पर दोनों राज्यों की सीमा है। उत्तराखंड में कोरोना की बढ़ती हुई संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कोरोना के कहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड की प्रत्येक सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। कोई भी बिना कोविड-19 की चेकिंग किए बिना रिपोर्ट के उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सकता। उत्तराखंड सरकार ने कड़ाई से लागू किया है। इसी को देखते हुए अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों उत्तराखंड सीमा पर काफी परेशान दिखाई दिए। यात्रियों में स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग आदि भी थे। उत्तर प्रदेश बिजनौर और उत्तराखंड की सीमा पर कोटा वाली नदी पर लगभग 50 बसों को रोक दिया गया। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लगभग 3 बजे से शाम की कड़ाई से लागू किया गया। इससे पहले सामान्य यातायात था, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे 3 बजे कड़ाई से उत्तराखंड सरकार की ओर से लागू किया गया, तब से उत्तराखंड कोटा वाली नदी पर यूपी के बिजनौर जिले में यात्रियों की लगभग 1000 संख्या होगी, जिसमें पुरुष, बच्चे, महिला काफी परेशान दिखाई दिए। उनका कहना यह भी था कि हम उत्तराखंड से ही सवेरे आए थे और हमें जाने नहीं दिया जा रहा। कुछ का कहना है कि हम बीमार थे, मेरे भाई के साथ आया था, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। अब ऐसी परिस्थितियों में हम कहां जाएं? यह सब बाकी अन्य राज्यों से भी यात्री परेशान दिखाई दिए। यूपी की ओर से सामान्य आवागमन रहा, वहां से किसी भी बस को उत्तराखंड सीमाओं में प्रवेश नहीं दिया गया। उत्तराखंड पुलिस का साफ शब्दों में कहना है कि जब तक कोविड-19 की जांच की रिपोर्ट आपके पास नहीं होगी, हम प्रवेश करने नहीं देंगे। उसमें उत्तराखंड सरकार की काफी बसें भी बॉर्डर पर खड़ी हुई दिखाई दी। वैसे तो अन्य राज्य की बसें भी थी और कार, छोटे वाहन भी दिखाई दिए। बिजनौर से संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी बताइए। अभी मैंने एसडीएम साहब को फोन किया है, अभी पुलिस की व्यवस्था सब हो रही है। आप लोगों के लिए व्यवस्था के लिए बताया, उन्होंने अवगत कराया। आप लोग भी बताए, लोग है ना, हरिद्वार जा रहे थे, हरिद्वार जाते हुए चेकिंग हो रहा है यहाँ पे कोरोना का। जी जी। तो उसके लिए ना यहाँ से कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए बोला, तो 30-30 रूपए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लिए। कहाँ पर लिए? ये पीछे भागो वाले में रजिस्ट्रेशन। अभी जानकारी आप बताइए कि इसमें 30 रूपए रजिस्ट्रेशन के लिए। 30 रूपए रजिस्ट्रेशन के लिए। कंडक्टर साहब हमारे साथ दिखाइए, ड्राइवर साहब हमारे साथ, पूरे पैसेंजर जितने जबकि फ्री होते हैं, ये सभी लोग परेशानी में यहाँ पे खड़े हुए। कोरोना टेस्ट हुआ है? ये कोरोना रिपोर्ट नहीं है सर, रजिस्ट्रेशन है। यहाँ से पुलिस वालों ने बोला आप जाके रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद हम आप लोगों को आगे जाने देंगे। फिर ये रजिस्ट्रेशन करा के लेके आए, उसके बाद वो लोग हमें आगे भी नहीं जाने दे रहे। और जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो भी परेशान है यहाँ पे। कंडक्टर से हम बोले हमारा रिफंड दे दीजिए, हम यहाँ से अपना रिटर्न चले जाएंगे, तो वो भी बोलते हैं हम आपको रिफंड नहीं दे पाएंगे। बुधवार जाना है हमें जी, और बच्चे भी साथ में हैं और जान न दे रहे हैं, उत्तराखंड से आए। ना तो बस वाले हमें घर छोड़े हैं, ना तो हमें ऐसे बस वालों को नहीं जान देंगे, न जानते हैं या जानते हैं हमारा ठिकाना, वहाँ ठिकाने पर जानते हैं। यहाँ यहाँ कोई हमें कोई सुविधा भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ सुविधा थोड़ी, हमारा घर थोड़ी है, कोई लत्ते कपड़े थोड़ी लाए, रोटो पे थोड़ी सोंगे, रोटो पे थोड़ी सोंगे हम यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे हैं लेडीज के साथ, क्या हाल हो रहा है उनका? अकेले एक लेडीज है बेचारी, वो कह रही मैं कहाँ जाऊँ, मुझे पे किसी का नंबर भी नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, घर वालों का किसी का कुछ नहीं है। अब बदतमीजी और करते, इतनी गाली दे, गाली गलौज और करते पुलिस वाले यहाँ पे, गाली गलौज थोड़ी कर रही है आदमी को, इंसान को। अब सुबह सुबह हम यहाँ से गए हरिद्वार वहाँ बिजनौर के लिए, सगाई थी, सगाई का कार्ड भी दिखा रहे, उसे भी नहीं मान रही है, कोरोना की रिपोर्ट चाहिए हमें तो बस। सुबह हम यहाँ से गए भाई, बसें क्यों चला रखी है? बसें बंद करो पहले तो, फिर भाई पब्लिक को परेशान कर रखा क्या है? बसें बंद करनी चाहिए कायदे में तो, ये भाई बसें वहीं से कोरोना की रिपोर्ट पे, जिस पे कोरोना की रिपोर्ट हो उसे बिठाना चाहिए, फिर बस में बिठाना ही चाहिए वैसे आदमी को। हाँ जी, हरिद्वार जाना है जी। तो यहाँ पर आपको पता, उत्तराखंड सीमा सील हो गई इस समय लॉकडाउन के कारण से, आप फिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आप सर बताइए ना, सुबह तो हमें जाने दिया, हमें सगाई थी हमारी बहन की, हमारी दीदी की बेटी की सगाई थी भांजी की। अच्छा अच्छा। अब आते हुए अब तो दिखा रहे, कार्ड भी दिखा रहे, सबको दिखा रहे, अब जाने दे रहे, तो ये घर तो वापिस जाएंगे हम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरिद्वार के। हरिद्वार के जी। अब बताओ, ये बसें चला रखी है पब्लिक, बच्चे है, लेडीज है, सबको परेशान कर रखे, रो दिया यहाँ पे आधे रास्ते में। अभी बच्चे लेडीज कहाँ जाएंगे? या तो पहले ना चलाओ बसों को, बंद कर दो बसों को अभी। खबरों में अब तक के लिए बस अपना के मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।